शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी जय गुरुजी संगत जी um, कहां से स्टार्ट करूं <laughs> गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है इतनी ब्लेसिंग्स है कि काउंट किस काउंटलेस पर आई विल स्टार्ट फ्रॉम मैं जि गुरु जी से जुड़ी कैसे um, टू दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व में आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद फेब्री टू थाउजेंड जैन टू थाउजेंड थर्टीन और फेब आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर आई केम टू यू एस एक साल बहुत अच्छा रहा देन अराउंड आई वुड से अप्रैल या अप्रैल मई के आसपास टू थाउजेंड फोर्टीन एक साल बाद यहाँ पे आने के बाद मेरे को चक्कर आने लग गए इतने पहले धीरे 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 चक्कर यू you नो know, इतने डॉक्टर्स के पास गए चक्कर काटे कि और पता था इट्स समथिंग रिलेटेड टू माय ईयर्स क्योंकि छोटे होते से मेरे को ईयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी um, तो किसी ने स्टीरोइड्स दे दिए किसी ने ईयर ड्रम्स में होल कर दिए uh, बहुत कुछ था मतलब दो तो तीन महीने ऐसे धक्के खाते रहे कुछ नहीं uh, मतलब कुछ नहीं चक्कर वही के वही थे एंड उसके ऊपर से नई नई जॉब भी लगी थी आ, आ, बहुत वॉल्ट्री uh, जॉब थी बहुत मुश्किल था फिर माय मामा, माय मदर इन लॉ उन्होंने वो गुरु जी को मानते हैं वो भोपाल से हैं uh, वो गुरु जी को मानते हैं उनको उनके एक बहुत ही क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स में डेली में उन्होंने गुरु जी से जोड़ा था तो जब मैं शादी के टाइम पे जब फ्लाइट पकड़ के इधर आना था तो डेली में हम उन्हीं फैमिली फ्रेंड्स के पास रुके थे तो उन्होंने अपना गुरु जी का मंदिर बनाया हुआ था घर पे और उन्होंने बोला ये गुरु जी हैं उस टाइम पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि गुरु जी कौन है और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ <laughs> उस पर मैं अभी आती हूँ नेक्स्ट पे तो उन्होंने गुरु जी को बोला गुरु जी है और उन्होंने लॉकेट दिया फिर मैं कहा ठीक है कहते कि ब्लेसिंग्स है ये तो लॉकेट मैंने अपने पास रख लिया जहाँ पे सारी बाबा जी वाई गुरु जी की पिक्चर्स होती हैं वहीं पे आदर से मैंने रख दिया एक साल लॉकेट वही पड़ा रहा कुछ नहीं है तो जब इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं मदर इन लॉ ने बोला कि आप ऐसा करो गुरु जी का लॉकेट पानी में डिप करके उसको मंत्र जाप करके उसको अमृत है उसको पियो और गुरु जी से अरदास करो मुझे ठीक करते हैं तो ये सब करने के बाद विद इन लाइक फ्यू डेज़ तो व्हाट हैपन कि एक पहले एक डॉक्टर ने ब्रेन uh, की एमआरआई दी थी लाइक uh, प्रिस्क्रिप्शन like हमने सोचा थोड़े से चक्कर हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे वो उसको कभी देखा ही नहीं तो जब मैंने गुरु जी से अरदास की अमृत पिया उसके विद इन फ्यू डेज़ हमने किसी नॉर्मल ब्लड वक्स के लिए जाना था मैं अपनी ऐसी ड्रॉर्स में वो प्रिस्क्रिप्शन ढूंढ रही थी तो मुझे ये एम की प्रिस्क्रिप्शन दिख गई तो मैं कह चलो अब जा ही रहे हैं वहाँ पे तो ये भी करवा ही लेते हैं सो so जब ये प्रिस्क्रिप्शन एम करवाई और uh, डॉक्टर के पास गए सो दिस इज दिस इज़ अ वेरी लाइक इट्स इज सिस्ट ग्रोइंग इन योर इनर ईयर ट्रूवर्ड द ब्रेन और वो बहुत अच्छा ये एंटी था आई सेट ये इट्स नॉट अ माई थिंग आपको एक बहुत ही स्पेशलिस्ट uh, है न्यूरोटोलॉजिस्ट दैट मीन्स अ डॉक्टर ऑफ इनर ईयर एंड ब्रेन सो यू um, नो you know, उसने कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट uh, दिया आई डोंट नो बट उन्होंने उससे बोला न्यूरोटोलॉजिस्ट है सो so आपको उन स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा मेरे अंकल ने वो इतना अच्छा डॉक्टर ढूँढा तो उन्होंने क्या गुरु जी ने ढूँढवाया लाइक like, वो डॉक्टर्स बहुत कम हैं यू एस में लाइक वेरी नीचे हैंडफुल फिफ्टी और हंड्रेड और लकीली गुरु जी की मेहर से इतना अच्छा डॉक्टर हमें यही न्यू जर्जी में मिला घर के इतने ही पास लाइक विदिन ट्वेंटी मिनट्स तो उसके वो डॉक्टर को दिखाया एंड ही सेट के ये तो इट्स अ सीरियस थिंग इट्स अनेर इयर जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा बट आई डोंट हैव अ डेट्स मेरे तीन चार महीने कोई डेट्स ही नहीं है सो वी सेट ठीक है क्या कर सकते हैं अब वेट करते हैं नहीं है तो सो आई थिंक विद इन अ वीक और समथिंग उनके ऑफिस से कॉल आया कि हमारे पास एक विद इन अ मंथ सर्जरी की एक स्लॉट uh, uh, है तो हमने कहा ठीक है बुक कर दें सर्जरी हो गई इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग हमने सोचा नहीं था इतनी लंबी सर्जरी होगी um, जो सर्जरी के बाद मैं तो ऑफकोर्स आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस तो डॉक्टर आए मेरी फैमिली को बोला कि इट वॉज़ सच अ बिग सिस्ट और कहते ये थोड़ा सा और लेट हो जाता है ना दो तीन महीने और लेट हो जाता अगर इट वुड हैव गॉन टू द ब्रेन और हम ये कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो भी गुरु जी की मेहर के, के उन्होंने टाइम से डिटेक्ट करवाया इतना अच्छा डॉक्टर दिया एंड उस टाइम पे मेरी जब उन्होंने सारा ये किया था सर्जरी क्योंकि पूरा इनर ईयर स्क्रेप किया था उस सिस्ट के लिए मेरी हेयरिंग बिल्कुल जा चुकी थी उस कान से टोटली एंड बिकॉज़ नर्वस टच करके वो सारा आस से क्लीन किया था सिस्ट निकाली थी तो डॉक्टर वॉज नॉट इवन श्योर कि मेरी हेयरिंग वापस आएगी भी कि नहीं आएगी एंड uh, ऐसे में जो मेरी इंडिया में मेरी सिस्टर फैमिली उन डॉक्टर से पूछा वो कहते नर्व को टच किया तो भूल जाओ हेयरिंग आएगी बट गुरुजी की मेहर के आज मैं छोटे होते से भी मेरे को थोड़ा हेयरिंग लॉस था आज माय हेयरिंग इज़ टोटली नॉर्मल माय बोथ हेयज आर उनके ऑपरेशन हो चुके हैं एवरी इज़ गड इतनी uh, मतलब आई कैन नॉट इवन जितना भी गुरु को इसका शुक्राना करूँ कम मैं मैं कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी लाइफ में यू you नो know? I could hear normally like other people. जय Guruji, thank you so much Guruji. and और इसके बाद ये तो इस my first step and मेरे को भी एक dream याद आ रहा है गुरु का जब मैं उनके जब मैं first time गुरु के मंदिर आई थी एडिसन में मैं चल भी नहीं सकती थी क्योंकि surgery हुई थी यू you नो know, जो गुरु जी से मैंने लॉकेट में डिप करके अमृत करके वो मांगा था वो उनके दरबार में आने से पहले मैं जानती भी नहीं थी फिर भी उन्होंने इतना ब्लेस किया तो जब मैं आई पता चला यहाँ पे मंदिर है मेरे मदर इन लॉ उस टाइम पे uh, उनको पता चला एडिशन में मंदिर है तो लेके आए मैं दो हाथ पकड़ के दो लोगों की सपोर्ट से धीरे धीरे यू नो मंदिर में आए एंड आई वॉज लाइक मंथस इतनी क्योंकि इनर ईयर था सारा लिक्विड इट वॉज ऑल डिस्टर्ब अराउंड सिर्फ छः आठ महीने मुझे लग गए होंगे नॉर्मली चलने में नॉर्मली देखने में सोफ ड्यूरिंग दैट टाइम द ड्रीम आई गॉट माई फर्स्ट ड्रीम के मेरा बर्थडे है और बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है एंड गुरु जी का ऑफकोर्स सत्संग है गुरु जी का सत्संग चल रहा है पंडाल लगा हुआ है एंड इट्स ऑन माई बर्थ डे गुरु जी आते हैं आते हैं बैठते हैं तो जब गुरु जी जाने लगते हैं तो मैं दिमाग में आते मैं भाग के उनके ना पैर छू लूँ तो जब मैं जा वो गुरु जी कार की तरफ जा रहे होते हैं तो uh, मैं भागती हूँ उनकी तरफ उनके पैर छूती हूँ तो वैसे ही पैर छूने लगती हूँ ना आई सी टू पेयर्स एक थोड़े छोटे ब्लैक कलर के और एक नॉर्मल फीट मैं माइंड में सोचती हूँ कि ये कैसे पैर है तो मैं कह तो ठीक है गुरु जी के पैर है तो मैं उसको uh, मत्था टेक के मैं ब्लेसिंग लेती हूँ तो इन माई ड्रीम ओनली गुरु के साथ जो अंकल होते हैं कार में बैठते हैं तो गुरु जी उनते कई दसी जाके सोचा सी फिर मेरे पैर वेखन वास्ते हैं तो फिर उन्होंने कहते जा कहते मैं तेन ब्लैस किया बस एक एक पल दे दई अपने सारे दुखा वास्ते जा तेरे सारे दुख कट्टे तो थैंक यू सो मच गुरु जी एंड लिटरली इट्स बीन ऑलमोस्ट नाइन इयर्स नाउ आपने हर पल में अपना हाथ पकड़ के एक एक स्टेप में मतलब आई कैनॉट इवन इमेजिन कितनी जैसे मुश्किलें आती हैं जैसे यहाँ पर यू एस में इमिग्रेशन का आता है एंड फॉर माई जॉब मैंने ना यहाँ पर स्टडीज़ की ना कुछ एज फोर पर आई थी एंड आई गॉट एन एज वन विद इन अ ईयर आफ्टर माई गुरु जी ब्लेसड माई हेल्थ जैसे गुरु जी बोलते हैं पहले वो हेल्थ प्लेस करते हैं फिर वेल्थ प्लेस करते हैं फिर uh, आपकी फैमिली लाइफ सारी प्लेस करते हैं तो पहले उन्होंने मेरे को मेरी हेल्थ प्लेस की फिर मेरी जॉब ब्लेस की कि मेरा एच वन भी, भी हो गया यहाँ पे विदाउट एनी एनी प्रॉब्लम मेरे को कोटे के थ्रू भी नहीं जाना पड़ा फिर उसके बाद गुरु जी ने um, uh, मेरे को सन ही ब्लेस्ड मी माय सन वो भी मेरे को होता था कि जब जिस um, जहाँ पे जॉब करती थी ही वॉज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस तो थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे ना तो आई यूज टू थिंक अब जैसे फर्स्ट थ्री मंथ्स में यू कैन नॉट डिस्क्लोज के है you ना know, uh, आपने कंसीव किया तो उनको था कि कुछ तबीयत ख़राब हुई सुबह नोजिया हुआ मैं लेट पहुंची तो मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी और उसमें भी मैं इतना डरती थी एंड गुरु जी की कृपा से मेरे को कुछ नो नोज़िया न थिंग इट वॉज सच अ स्मूथ प्रेगनेंसी वो भी गुरु जी का शुक्राना उसके बाद इट्स अ लॉड लास्ट ईयर ओनली गुरु जी ने फिर से मेरी जान बख्शी इट वॉज़ अ फेटल सिचुएशन आई वॉज एडमिटेड टू ई आर एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी एंड इट वॉज अ एक टॉपिक प्रेग्नेंसी इज लाइक ग्रोइंग इन अ ट्यूब्स एंड इट्स फेटल इट्स द ट्यूब्स एंड इज फेटल तो गुरु जी की कृपा से पता नहीं कैसे पहले हम डॉक्टर के पास गए उन्होंने डिटेक्ट कर लिया आई वॉज नॉट इवन यू नो कि कैसे नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एन एस एक्ट के यू हैव कंसीन बट इट डजेंट सीम टू बी नॉर्मल प्रेगनेंसी है सर ओके ठीक है देखते क्या क्या होता है सो फिर बाद में इट वॉज लाइक ए जस्ट वॉच आउट फॉर एनी पेन और एनी थिंग सो आई थिंक आफ्टर फ्यू वीक्स टू थ्री वीक्स आई गॉट अ शूटिंग पेन एडमिटेड टू ईआर एंड वहाँ पे इट वॉज लाइक मेरी पार्टी चल रही थी वहाँ पे लिटरली मतलब इतनी जहाँ पे वो एक फेटल सिचुएशन थी गुरुजी ने मुझे कुछ फील ही नहीं होने दिया इन द सेंस कि वहाँ पे बैठ के मैं गुरु मेरा खाना नहीं आया अभी तक मैं भूख लगी और वो नर्स मेरी शक्ल देख रही है कि आप <laughs> यार मनो सही कि आपको यू you नो know, खाना दे मांग रहे न तो गुरु वो भी गुरु ने बचाया मतलब आई कितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु जी बस अपना ब्लेसिंग्स ऐसे सबके हम सबके सिर पे रखना एक और मेरे दिमाग में आज गुरु ने जो डाला तो मैं एक शेयर करती हूँ आंटी इट्स अ वेरी पर्सनल वन आई थिंक मेरे अंकल को भी नहीं पता शायद तो बट आज मैं जब से आपने बोला सत्संग करना है मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया तो आई विल शेयर दिस ऑल्सो आई थिंक काफ़ी साल हो गया 2016 टू थाउजेंड सिक्सटीन में भी सो अगेन मेरे को एक ड्रीम आता है मैं पता नहीं अपने घर में या किसी घर में आई एम स्टक इन अ हाउस ट्राइंग टू रन अवे और uh, मेरी आवाज़ है ही नहीं मैं चला रही हूँ लोगों को लोगो, बुला रही हूँ बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऐसा होता है ना कि आप जैसे वो खुद सोच रहे होते हो आप पे इट्स लाइक योर फीलिंग ईच पार्ट ऑफ इट आवाज़ नहीं निकल रही है कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा है एंड uh, पता नहीं आई एम फीलिंग लाइक नीडल्स पिंचिंग ऑल ओवर माई बॉडी सो इट्स लाइक आई एम ट्राइंग टू रन अवे नहीं हो रहा फिर मैं मन में फिर मंत्र जाप शुरू करती हूँ ओम नमत् शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमस् शिवाय गुरु जी सदा सहाय पहले तो मैं वो बोल नहीं पा रही होती हूँ ड्रीम में तो धीरे धीरे मैं उसे बोलती हूँ मेरी आवाज़ होती है खुलती है तो आई एम एबल मंत्र जाप करते करते मैं घर से बाहर भागती हूँ और देखती हूँ बाहर लॉन में गुरु जी हैं तो गुरु जी के जाके पैर छूती हूँ कहते उन्होंने ब्लेस किया एंड इट वॉज सच अ डिस्टर्बिंग ड्रीम दैट आई कॉल माई मॉम एंड माई मॉम सेट आई हैड अ सेम ड्रीम एंड शी सेट के आई हैड अ सेम ड्रीम कि तू पे स्टक है ट्राइंग टू मेरे को बुला रही है तेको यू नो नहीं रीच कर पा रहे एंड फिर उसके बाद लाइक सेम ऑलमोस्ट सेम ड्रीम और वाई मेरे मॉम के ड्रीम में वाहगुरु जी आते हैं उनको ब्लेस करते हैं एंड मम्मा को भी फिर वो लॉन में ही आ आके वाह जी गुरु जी उनको भी वही दिखता है लॉन में एंड एंड उसके उसी टाइम के आसपास आई रिमेंबर डांस परफॉर्मेंस थी आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर डांस परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट डे डांस परफॉर्मेंस थी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट एक दो हफ्तों में एंड uh, uh, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया हेयरलाइन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द uh, प्रैक्टिस एंड फिर उसके बाद जैसे और सत्संग सुने यूट्यूब पे पता चला और um, वो होली के आसपास के दिन थे तो पता चला कि ये गुरु जी उस टाइम यू नो ऐसे ब्लेस करते हैं अगर ऑफ़कोर्स गुरु जी के uh, दरबार में प्रैक्टिस करते करते फ्रैक्चर हुआ है और सेम सेम टाइम पे ये ड्रीम मेरे को मम्मा को आया है तो पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ टलवाई है कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर दिया है कटवाया जय गुरु जी थैंक यू सो मच गुरु जी हर पल आपका शुक्राना बस ऐसे ही अपने हाथ सदा हम सबके सिर पे रखना हर पल हर घड़ी बस आपकी कृपा से हो जय गुरु जी नमः शिवजी सदा शिवजी ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासा ओ,